हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के ऊपर। दोस्तों देखिए, इस वीडियो के अंदर हम कुछ मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। ट्राई करिएगा एक बार, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने से पहले आप खुद इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा कि आप कितना सही कर पाते हैं, कितने आपके सही होते हैं आउट ऑफ इनमें से जितने भी क्वेश्चन हम 5-7 क्वेश्चन जितने भी डिस्कस करेंगे। तो ये कंप्लीट इनऑर्गेनिक से रहेंगे आपके लिए क्वेश्चंस, कहीं से भी केमिकल बॉन्डिंग का हो सकता है, क्योंकि अब लास्ट टाइम है। आपको ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक टॉपिक से ही क्वेश्चन करने हैं, आपके आगे जो आता है क्योंकि आपने सारा सिलेबस पढ़ रखा होगा, रिवीजन कर रखी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग ठीक है। स्पेशल क्लासेस जो कि आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, आप बिल्कुल फ्री क्लासेज हैं। ये वाली स्पेशल क्लासेज जो है वो बिल्कुल है फ्री क्लासेज है। यहाँ आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लास, पोल का ऑप्शन, रेज हैंड का ऑप्शन, नेवर मिस ए क्लास, लेक्चर नोट्स, मतलब आपको क्लास के बाद नोट्स मिल जाते हैं जो भी क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है। इसके अलावा आपके पास क्या आ जाती है, नोटिफिकेशन आ जाती है जब भी क्लास स्टार्ट होती है। आप एजुकेटर को फॉलो करके रखिए, जब भी क्लास स्टार्ट होता है लाइव होता है तो आपको, और इसके अलावा आपको शेड्यूल पहले से दिखाई दे देता है कि आप कब कौन से एजुकेटर की कौन सी क्लास है। एनी टाइम एनी वेयर, मतलब आप रिकॉर्डेड और लाइव दोनों क्लास को देख सकते हो। जैसे अपनी सीरीज चल रही है, ज़बरदस्त सीरीज चल रही है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की चल रही है, OMC के क्वेश्चन चल रहे हैं, साथ ही बायो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो काफ़ी 3-4 सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी है, आप उनको देख सकते हो। ये बिल्कुल फ्री क्लासेज है और आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो BCAM10 कोड आप यूज करके क्लासेज को क्या कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। BCAM10 कोड यूज करके, ठीक है ना, आप कोड यूज कर सकते हो BCAM10 एंड क्लासेज को बिल्कुल फ्री में फ़ायदा आप ले सकते हो, फ्री में देख सकते हो अपना विदाउट एनी चार्जेज। इसके अलावा ये जो सीरीज है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, बुनियाद और टॉप गियर सीरीज, ठीक है, ये मेगा ऑफर वाला तो जा चुका है, 22 दिसंबर तक था। BCAM10 कोड आप मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यूज कर सकते हो। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे दो टाइप का सब्सक्रिप्शन है दोस्तों, प्लस एंड आइकॉनिक। देखिए, अगर प्लस एंड आइकॉनिक की अगर हम बात करें तो आप पाओगे कि इधर हमारे पास लाइव क्लासेज, क्विज एंड टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्स। देखिए, अनलिमिटेड एक्सेस के अंदर आप एक ही सब्सक्रिप्शन से सभी एजुकेटर का वीडियो देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक सब्सक्रिप्शन यूज किया तो आप उन्हीं एजुकेटर का, नहीं जी, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जितने भी बैच चल रहे हैं या रिकॉर्डेड हैं, जो बैच कंप्लीट हो चुके हैं, उन सबको आप देख सकते हो एक सब्सक्रिप्शन से। आइकॉनिक के ऊपर कुछ प्लस के अलावा आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जो प्लस पे है वो तो आइकॉनिक पे होती हैं। इसके अलावा पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस, ये आपको आइकॉनिक के ऊपर मिलता है। इसके अलावा देखिए, यहाँ जो फीचर्स है वो देखिए, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस शेड्यूल, स्ट्रक्चर शेड्यूल का मतलब है कि आपको पहले से पता होता है कि कौन से एजुकेटर की क्लास है, कब होने वाली है, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी वीकली रिव्यू सेशंस, बूस्टर सेशंस, ये आपको सिर्फ और सिर्फ आइकॉनिक के ऊपर मिलता है दोस्तों। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन कैसे लें, तो सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आप अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करके दोस्तों और क्या कर सकते हैं, अपनी कैटेगरी चूज करोगे, जैसे UGC CSIR UGC नेट। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें चार्जेज की, तो आपके पास दो टाइप का सब्सक्रिप्शन होता है, प्लस एंड आइकॉनिक। प्लस के ऊपर जैसा मैंने फीचर बताया, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लास, PDF नोट्स मिल जाते हैं क्लास के बाद, क्विज और टेस्ट आप देकर अपनी तैयारी का पता लगा सकते हैं। यहाँ आइकॉनिक में आपको ये फीचर्स तो कॉमन है ही, इसके अलावा ये जो दो फीचर्स हैं, पर्सनल कोच या पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग, ये आपको आइकॉनिक के ऊपर अवेलेबल है। यहाँ आपके पास 3 मंथ से लेकर 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, और यहाँ हमारे पास 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। अगर आप इनकी बात करेंगे यहाँ, तो हम देखेंगे कि BCAM10 कोड अगर आप यूज करते हो तो आप क्या पा लोगे, 10% डिस्काउंट भी पा लोगे। BCAM10 कोड यूज करने पे आप 10% दोस्तों डिस्काउंट भी पाओगे। अब बात आती है कि सर, डिस्काउंट के बाद अगर हम बात करें तो रेफरल कोड, इसके अलावा जैसे ही आप, जैसे यहाँ अगर 10% डिस्काउंट करोगे तो आपको 625 रुपये कम देने पे करने पड़ेंगे, यहाँ आपको 2000 रुपये कम पे करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये मामला रहता है 24 महीने का, 12 महीने का, सब पे 10% रहेगा, चाहे वो आइकॉनिक हो चाहे वो प्लस हो। इसके अलावा बग्स बंटी रिगार्डिंग इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है दोस्तों, ठीक है, अगर किसी को लगता है कि कहीं इनअप्रोप्रिएट कंटेंट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे है तो आप क्या कर सकते हो, उसको चैलेंज भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे अगर आपको पसंद आया था, बेल आइकन का बटन दबा के रखिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ, आपको पूछा है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स,
आपको ऑर्बिटल्स बताना है मुन्ना, किसके अंदर है? इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम टू पॉजिटिव, लिथियम टू पॉजिटिव के अंदर है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर है, कितना ऑर्बिटल होगा? ऑप्शन ए आपके लिए क्या बोला गया है? ऑप्शन में कलर दूसरे से लिख देता हूँ, ऑप्शन ए आपको बोला गया है 16, ऑप्शन बी आपको दिया गया है 3, ऑप्शन डी आपको दिया गया है 5, ऑप्शन सी दिया गया है 5, ऑप्शन डी दिया गया है आपको 9। अब आंसर आप करिएगा, पहले देखिए सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा कि आपका सही होता है या गलत होता है, एक बार ट्राई जरूर करके देखें कि आप इस क्वेश्चन को कितना इजीली कर पाते हैं या नहीं कर पाते। जल्दी से एक बार ट्राई कीजिएगा सभी मुन्ना लोग, फटाफट से जल्दी से कनेक्ट करेंगे, जल्दी से एक बार ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज करके आंसर ट्राई कीजिएगा आपका सही आता है या गलत, उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखिएगा। डायरेक्ट सॉल्यूशन को देखेंगे तो हो सकता है वो आपको लंबे टाइम तक याद ना रहे, लंबे टाइम तक आपको याद ना रहे। चलिए जी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए लिथियम की बात करूं अगर मैं, तो लिथियम टू पॉजिटिव मतलब वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये क्या है? हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो जब भी अपने पास एनर्जी ऑर्डर की बात आती है ना भाई, ये एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करते हो तो आप कैसे करते हो? आप कहते हो कि सर 1s की एनर्जी सबसे कम, देन 2s, देन 2p, देन 3s, 3p, 4s, ऐसे ही तो करते हो ना, 3d, ऐसा ही तो करते हो ना, पहले दो इलेक्ट्रॉन यहाँ भरते हो, दो यहाँ भरते हो, 6 यहाँ, 2 यहाँ, 6 यहाँ, 2 यहाँ, 10 यहाँ, फिर ऐसे चलते हो ना सीक्वेंस में। मतलब यहाँ एनर्जी अगर 1s की रही होगी तो यहाँ 2s की, यहाँ 2p की, यहाँ 3s की, यहाँ 3p की, यहाँ 4s की, यहाँ 4d की, कुछ ऐसा एनर्जी ऑर्डर चलता है। ये कब है? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम या पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोल सकते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जब सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा हो तब ये आपका एनर्जी ऑर्डर है, आप फिलअप करने के लिए यूज करते हो। अगर आपके पास मोनो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब जिनके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, जिनके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, उनके लिए आप क्या करोगे? उनके लिए आपको एक क्वांटम नंबर के, जैसे यहाँ क्वांटम नंबर 1 है, यहाँ क्वांटम नंबर 2 है, यहाँ भी क्वांटम नंबर 2 है, यहाँ क्वांटम नंबर 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है, यहाँ भी 3 है, तो सेम क्वांटम नंबर के लिए जितनी सब सेल बनेगी उनकी एनर्जी सेम होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ मेरे पास 1s है तो ये ऑर्बिटल 1s का है, यहाँ ये एनर्जी आपके पास देखोगे तो आप कहोगे 2s, 2p, इन सब की एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी। इन सब ऑर्बिटल की, सब सेल की, जो एस सब सेल है, पी सब सेल है, इनकी सबकी एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी। इसी टाइप से जब क्वांटम नंबर 3 आ जाएगा तो 3s भी आ जाएगा, 3p भी आएगा और 3d भी आएगा। मतलब आपको ये बात समझ में आ रही है कि एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, मतलब मोनो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए सेम क्वांटम नंबर के लिए जितनी भी सब सेल बनेगी उन सबकी एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी। मतलब अगर मैं 4 के बाद के लिए बात करूं तो 4s, 4p, 4d, 4f, इन सब सबशेल की एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी। अब आपसे पूछा गया है सेकंड एक्साइटेड स्टेट और कौन सा यूज करना है, हमें मोनो इलेक्ट्रॉन वाला यूज करके हमको बताना है कि किसकी एनर्जी में कौन सी एनर्जी एक्साइटेड स्टेट के अंदर, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर कितना ऑर्बिटल है। तो ये तो अपना ग्राउंड स्टेट हुआ, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हुआ, पहला एनर्जी लेवल, और ये अपना सेकंड एक्साइटेड स्टेट हुआ, और ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट हुआ, ऐसा ही तो होगा ना मुन्ना। और आपको सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर पूछा गया है कि कितना ऑर्बिटल। अब हमें पता है कि सर एस के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, एस के अंदर एक ऑर्बिटल होता है सर, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, और यहां आपको सेकंड में पूछा गया है तो आप यहां कहोगे एस के अंदर 1, पी के अंदर 3 और डी के अंदर सर 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। अब टोटल काउंट कर लीजिएगा, 5 यहां से आ रहे हैं मुन्ना, 3 पी से आ रहे हैं मुन्ना, और 1 किससे आ रहा है? एस से आ रहा है। टोटल कितना हो जाएगा? 9 आंसर हो जाएगा इसका, कितना आ जाएगा? 9। इसके अंदर सेकंड के अंदर पूछता तो 9 हो जाता, फर्स्ट के अंदर पूछता तो 4 हो जाता, और ग्राउंड स्टेट में पूछता तो 1 हो जाता। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 9 इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन यहां तक। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री से आपके लिए रहेगा, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री से आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। आपको बोला है कि फाइंड द मेटल मेटल बॉन्ड, फाइंड द मेटल मेटल बॉन्ड, आपको मेटल मेटल बॉन्ड फाइंड आउट करना है, मेटल मेटल बॉन्ड। कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है मोलिब्डेनम SO4 के साथ 4, ठीक है मुन्ना, और 4 नेगेटिव,
मोलिब्डेनम 2 SO4 4 नेगेटिव आपको ये वाला कॉम्प्लेक्स दिया गया है। और आपको बोला गया है कि इसके लिए मेटल मेटल बॉन्ड फाइंड मेटल मेटल बॉन्ड इन ए आपको ऑप्शन दिया गया है 1, ऑप्शन बी दिया गया आपको 3, ऑप्शन सी आपको दिया गया है 4 और ऑप्शन डी आपको दिया गया है 2। अब एक बार आप देखिए सॉल्यूशन तो आपको दिया ही जाएगा क्वेश्चन के लिए, मैं कहता हूँ कि एक बार आप जरूर खुद से ट्राई करें कि क्वेश्चन का आंसर आप लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे, किस अप्रोच से आप सोचते हैं, क्योंकि ये एग्जाम का लास्ट टाइम है। इसके अलावा ये तो है नहीं कि आप ऑर्गेनोमेटालिक दोबारा पढ़ेंगे फिर आप निकाल के देखेंगे, नहीं, अब जो आपके पास जितनी नॉलेज है उसके बेस पे आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा एक बार, फिर आपको सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा। वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिएगा और फिर अपना क्वेश्चन का आंसर मैच कर लीजिएगा। इस कॉम्प्लेक्स को अगर मैं बात करूं तो जो आप बाई न्यूक्लियर मेटलिक क्लस्टर कंपाउंड पढ़ते हैं कौन सा, जैसे Re2Cl8 बहुत ही फेमस कंपाउंड है, इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो सेम ऐसा ही कॉम्प्लेक्स ये है, इसके अंदर हमें पहले तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी, मना किसकी, मेटल की। मान लीजिए मेटल मेरे पास मोलिब्डेनम है, मैंने X+Y दोनों दो मेटल है, मैंने एक को X मान लिया एक की Y ऑक्सीडेशन स्टेट मान ली। दूसरा लिगेंड मेरे को सल्फेट दिया हुआ है, सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, टोटल क्या है सल्फेट 4 दिए हुए हैं, तो मतलब मेरे पास एक पे 2 नेगेटिव है, माइनस का 2 × 4 माइनस का 8 हो जाएगा, टोटल माइनस का चार्ज कितना हो जाएगा माइनस का 8। ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना दिया हुआ है माइनस का 4। X+Y = क्या जाएगा माइनस का 4 और ये इस साइड का x प्लस में आके क्या बन जाएगा X+Y = 4। अब आपको पता है x भी 2 रहा होगा y भी 2 रहा होगा, दोनों को सेम मान लेते हैं, ठीक है, इक्वल X+Y 2 दोनों को डिफरेंट मांगो और 3 और 1 मानोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, जो MOT के अंदर इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करते हैं तो हमें पता है कि सबसे पहले सिग्मा होता है, देन हमारे पास पाई होता है, देन हमारे पास डेल्टा होता है और देन हमारे पास डेल्टा स्टार होता है, कुछ ऐसा चलता है सर मामला। अब आपको इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करना है सिंपल, आपको पता है कि अगर यहाँ मोलिब्डेनम +2 के अंदर है और यहाँ भी मोलिब्डेनम किस में है +2 के अंदर है, अगर क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन, अगर तुम्हें मान लीजिए मोलिब्डेनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता, लेट्स सपोज कीजिए कि आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता, तो आपको क्या करना होगा, आपको क्रोमियम का तो पता है मुन्ना कि क्रोमियम का सर 4s1 और 3d5 होता है, 4s1 3d5 होता है, जब भी हम +2 में कन्वर्ट करेंगे तो ये d4 सिस्टम बन जाएगा। क्रोमियम +2 में अगर आपसे बोलूं तो आप कहोगे सर d4 सिस्टम बन जाएगा, d4 सिस्टम बन जाएगा, तो सेम ये भी मोलिब्डेनम 2 प्लस करेंगे तो ये भी क्या बनेगा d4 सिस्टम बनेगा। वो बात अलग है कि इनके आगे जो क्वांटम नंबर लगा होगा वो चेंज हो सकता है, 3d4 की जगह 4d4 हो जाएगा, 5d4 हो जाएगा टंगस्टन के केस में, बट d के अंदर इलेक्ट्रॉन तो 4 ही होंगे सर हर केस में, तो यहां भी आपके पास d4 सिस्टम है, यहां भी आपके पास d4 सिस्टम है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास और 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब इन 4 8 इलेक्ट्रॉन को हमें फिलिंग करना है किनके अंदर, यहां सिग्मा के अंदर 2 1 2 3 4 6 इलेक्ट्रॉन का फिलिंग मैं कर चुका हूं और मुझे कितना करना है मुन्ना टोटल 8 इलेक्ट्रॉन का फिलिंग है करना है, जल्दी से बोलो फटाफट से, यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई। ये टोटल मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब ये तो आपको पता है कि ये तो सर बॉन्डिंग वाले हैं सारे के सारे, क्या है बॉन्डिंग वाले, बॉन्डिंग, और ये क्या है एंटीबॉन्डिंग, एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन 0। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला तुमको पता ही है, बॉन्ड ऑर्डर आप MOT में निकालते हो, आप क्या कहते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटीबॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। बॉन्डिंग में कितने है मुन्ना, बॉन्डिंग में तो 8 है मुन्ना, एंटीबॉन्डिंग में कितने है मुन्ना 2 है मुन्ना, सॉरी एंटीबॉन्डिंग में कितना है 0 है, एंटीबॉन्डिंग में तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो आप क्या करोगे 8/2 करोगे, 4 आपका आंसर आ जाएगा। बोलो यहां तक की बात क्लियर हुई होगी, सबका 4 आया होगा, सबका आंसर 4 आया होगा, जल्दी से बोल दो फटाफट से, जल्दी से एक बार कंफर्म कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, एक बार जरूर बताएंगे क्वेश्चन का कि क्या आंसर है आपका, क्या रहा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोला गया है द 11B डी कपल्ड मिथाइल आपको दिया गया है, ठीक है। जैसे आप NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में डी कपल्ड प्रोटोन NMR-13C पढ़ते हो तो कहा जाता है ना कि डी कपल्ड मतलब प्रोटोन, ये सिंबल किसका होता है ना कि आपको कपलिंग कंसीडर नहीं करनी किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ, इसका मतलब तो ये हुआ सर इसका जो NMR स्पेक्ट्रम आएगा उसके अंदर मिथाइल की कपलिंग कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ हमारे पास द 11B ME NMR स्पेक्ट्रम ऑफ कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है
मिथाइल के साथ फोर, मिथाइल फोर है, उसके साथ आपको म्यू एच टू, मतलब दो ब्रिजिंग पे हाइड्रोजन है और बी टू लिख कर दिया गया है, ठीक है मुन्ना। और इसके आपको बोला गया है कि न्यूक्लियर स्पिन का वैल्यू आपको बोला गया है, न्यूक्लियर स्पिन का वैल्यू 11B के लिए आपको दिया गया है 3/2, आई का वैल्यू क्या दिया गया है 3/2, ठीक है। और आपको बताना है कि ये कैसा स्पेक्ट्रम शो करेगा, विल शो, क्या शो करेगा, विल शो, स्पेक्ट्रम में क्या शो करेगा। पहला ऑप्शन आपके लिए है कि ये एक एक क्वार्टरेट शो करेगा, ठीक है। बी कह रहे हैं कि एक क्विंटेट शो करेगा। सी आपके लिए है कि एक डबलेट शो करेगा। और डी आपके लिए कह रहे हैं कि ए ट्रिपलेट शो करेगा। एक बार ट्राई करेंगे सभी मुन्ना लोग कि किसका क्या आंसर रहता है, जल्दी से सभी एक बार जल्दी से ट्राई करेंगे कि आंसर क्या रहता है आपका, जल्दी से आंसर कीजिएगा मुन्ना लोग, फटाफट से फास्ट कि क्या आंसर आपका रहने वाला है। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, देन आप आंसर दीजिए, जल्दी से फास्ट फास्ट आंसर कीजिए फास्ट। अब देखिए इसके अलावा अगर हम बात करें ना इसके स्ट्रक्चर की और इसके स्प्लिटिंग पैटर्न की, तो आपको क्या बोला गया है, बोरोन आपको दिया गया है, एक बोरोन ये वाला, एक बोरोन ये वाला, ब्रिजिंग में दो हाइड्रोजन दिया गया, मुन्ना ब्रिजिंग में क्या दिए गए, दो हाइड्रोजन। और हमें पता है कि चार मिथाइल दिए गए हैं, तो जैसे B2H6 बनाते हो, यहाँ मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी आपको मिथाइल दिया गया है, यहाँ भी मिथाइल ग्रुप दिया गया है, ठीक है। अब आपको ये तो पता है कि यहाँ अगर स्पेक्ट्रम की बात करें तो हमारे पास एक सिग्नल आएगा, क्योंकि सिमेट्रिक सा स्ट्रक्चर है बिल्कुल एकदम से। भाई मैं ये कहूँगा कि एक सिग्नल आ रहा है मेरे पास बोरोन का, लेट्स सपोज ये वाला, दोनों बोरोन इक्विवेलेंट ही है, सेम, दोनों बोरोन क्या है, एक ही जैसे हैं, सबका एनवायरनमेंट सेम है, तो दोनों बोरोन एक जैसे हैं, एक सिग्नल आएगा बोरोन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, एनएमआर स्पेक्ट्रम के अंदर एक सिग्नल आएगा। वो सिग्नल कितने से स्प्लिट होगा, इनके साथ तो कपलिंग कंसिडर नहीं करनी, क्योंकि मेंशन कर दिया एग्जामिनर ने कि मिथाइल के ऊपर तो किसी के साथ है, क्योंकि कार्बन तो है नहीं, नेचुरल अबंडेंस बढ़िया कार्बन का, तो ठीक है। इसके अलावा मिथाइल का ये कह रहा है कि 2J कपलिंग भी मतलब हमको कंसिडर नहीं करनी, अगर मिथाइल को डीकपल्ड कर दिया गया है तो। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं चेक करूंगा तो मुझे सिर्फ कपलिंग किसके साथ मिलेगी, आप कहोगे सर ये जो हाइड्रोजन है ना ब्रिजिंग वाले, इनके साथ तो कपलिंग मिलेगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का अगर आई वैल्यू देखा जाए तो 1/2 है, आई वैल्यू हाइड्रोजन का क्या है 1/2 है, और हाइड्रोजन का नेचुरल अबंडेंस भी तुमको पता है कि हाइड्रोजन का नेचुरल अबंडेंस भी क्या है 100% है, 100%। इसका मतलब है कि ये वाले का जो सिग्नल है वो इन दो हाइड्रोजन की वजह से स्प्लिट करेगा, ये वाला हाइड्रोजन इन दो की वजह से स्प्लिट करेगा। और स्प्लिटिंग के लिए तुम 2Ni+1 वाला फॉर्मूला लगाते हो, 2 × n का वैल्यू कितना है, स्प्लिटिंग करने वाले कितने हैं, दो हैं, आई का वैल्यू 1/2 + 1 कितना आएगा, आप बोलोगे सर ये 3 आएगा, मतलब ये सिग्नल कितने में टूटेगा, ट्रिपलेट में टूटेगा। इंटेंसिटी कैसा आएगा, ऐसा इंटेंसिटी, मतलब आपको एक स्पेक्ट्रम कैसा नजर आएगा जिसके अंदर आपको एक ट्रिपलेट दिखाई देगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन कि एक क्या दिखाई देगा, ट्रिपलेट दिखाई देगा। मुन्ना जल्दी से बोलिएगा फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। जितने भी आपके क्वेश्चन ठीक होते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको सिमेट्री बताना है केमिकल बॉन्डिंग का, करेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बताना है, क्या कॉम्बिनेशन करेक्ट रहेगा, किसके लिए, पाई एंड पाई स्टार के लिए, पाई एंड पाई स्टार के लिए, पाई एंड पाई स्टार के लिए, 4N2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल के लिए जो पाई एंड पाई स्टार बन रहे हैं रिस्पेक्टिवली, पाई एंड पाई स्टार के लिए क्या रहेगा आपको यह बताना है। कॉम्बिनेशन आपको क्या क्या दिए गए हैं देखिएगा, कॉम्बिनेशन आपको दिया गया है कि यहां अपने पास ये लिखा गया है ए ऑप्शन में कि रिस्पेक्टिवली बोला गया है, तो पहले को आपको जी रेड बोला गया है कि जी रेड होगा एंड जी रेड होगा, दूसरे में आपको बोला गया है कि जी रेड होगा एंड एन जी रेड होगा, एन जी रेड होगा, जी रेड एंड एन जी रेड, तो आप समझते होंगे ये कह रहे हैं कि पाई जो है वो पहले पाई लिखा हुआ है, तो पाई जी रेड है, पाई स्टार एन जी रेड है, पाई जी रेड है, पाई जी रेड है, ठीक है। इसके अलावा पाई स्टार और पाई जी रेड को आपको यहां बोला गया है कि ये एन जी रेड है और ये क्या है जी रेड है, ये जी रेड है। और इसके अलावा आपसे डी में आपको बोला गया है कि दोनों क्या होंगे, एन जी रेड एंड एन जी रेड। अब आप बताइएगा
अपना ट्राई कीजिएगा कि जीरेड और एनजीरेड में से कौन सा आपका आंसर होगा। जल्दी से फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा या अपना ट्राई करके देखिएगा कि आपका सही हो रहा है या गलत हो रहा है, क्वेश्चन कैसा आपका आपका बन रहा है या नहीं बन रहा। जल्दी से बताइएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा सभी मुन्ना लोग फटाफट से क्या रहेगा आंसर। जल्दी ट्राई करें फटाफट से, फास्ट वेल जल्दी से ट्राई करेंगे। देखो भाई, आपने ट्राई कर लिया होगा, आपको पता है कि हमें पाई स्टार दिया हो, पाई दिया हो, किसी भी मॉलिक्यूल लाइक C2 का बोल देता, N2 का बोल देता, B2 का बोल देता, हमें पता है कि सर सिग्मा जो है, सिग्मा वो होता है जीरेड और सिग्मा स्टार क्या होता है अनजीरेड, ठीक है। पाई जो है वो क्या होता है अनजीरेड और पाई स्टार क्या होता है जीरेड, पाई स्टार क्या होता है जीरेड। चाहे ये किसी भी मॉलिक्यूल का रहा हो, चाहे ये किसी भी मॉलिक्यूल का रहा हो, इसका हमेशा सिग्मा जीरेड रहेगा, सिग्मा स्टार अनजीरेड रहेगा, पाई अनजीरेड रहेगा, पाई स्टार जीरेड रहेगा। मतलब ये तो फिक्स है भाई, पी लोब जो पी ऑर्बिटल है, जो पाई और पाई स्टार बनाएंगे पी ऑर्बिटल, वो ऑलवेज क्या रहेगा, पाई स्टार तो ऑलवेज क्या बनेगा, जीरेड ही बनेगा। चाहे वो किसी का बन जाए, चाहे C2 का बन जाए, B2 का बन जाए, N2 का बन जाए, O2 का बन जाए। बट यहाँ तुमको मेंशन करने का कोई मतलब नहीं था, ये तो कंफ्यूज करने के लिए था। तो सिंपल आपको पता होना चाहिए, जो पाई होता है वो क्या होता है अपने पास जीरेड सिमेट्री का होता है, और पाई अनजीरेड सिमेट्री का, और पाई स्टार जीरेड सिमेट्री का। तो यू एंड जी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यू एंड जी आपका आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। जिनका भी सही है बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि हमारा सर ये क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है द करेक्टर आपको बताना है, द करेक्टर, करेक्टर ऑफ लूमो, लूमो का करेक्टर आपको बताना है ऑफ O2 2 पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली क्या होगा आंसर, जल्दी से करिएगा। ऑप्शन में बना दे रहा हूं आपके सामने, पहला है पाई जीरेड एंड सिग्मा एन जीरेड, बी आपको बोला गया है सिग्मा जीरेड एंड सिग्मा जीरेड, सी आपसे बोला गया है सिग्मा एन जीरेड एंड पाई जीरेड, और डी आपसे बोला गया है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ट्राई कीजिएगा एक बार सभी, कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे कितना आपका सही हो रहा है, गलत हो रहा है, कैसा हो रहा है, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे कि सर हमारा गलत हुआ है, सही हुआ है, अगर कैसा हुआ है, जल्दी से फटाफट से कमेंट करेंगे। देखो हमें पता है कि सर अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो एक में मेरे पास SP मिक्सिंग होता है, एक में SP मिक्सिंग नहीं होता। अगर मैं N2 की बात करूं और O2 पॉजिटिव की बात करूं तो इनके अंदर एक में SP मिक्सिंग होगा, एक में SP मिक्सिंग नहीं होगा। तो आप क्या बोलोगे, सर N2 के लिए बात करेंगे तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, नीचे 8 इलेक्ट्रॉन तो हम कंसिडर नहीं कर रहे, 8 कौन से, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s2, ये 8 इलेक्ट्रॉन तो मैं कंसिडर नहीं कर रहा, जितना बॉन्डिंग में उतना एंटी बॉन्डिंग में कैंसिल आउट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये वाला डायग्राम, ठीक है मुन्ना, ये वाला, ये किसके लिए बना रहा हूँ मैं, N2 के लिए, जहाँ SP मिक्सिंग हो रहा है। दूसरा मैंने किसके लिए बनाया, O2 के लिए, ये वाला बना दिया जी, O2 के लिए, क्या बना दिया, O2 के लिए, आ रही है बात समझ में, ये किसके लिए बनाया मैंने, O2 के लिए। आपको अब ये तो पता है कि सर O2 और इनके लिए जब डायग्राम बनाओगे आप तो आप क्या पाओगे, N2 के पास आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, N2 के पास क्या है 14, 8 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ भर चुके हो, आपको 6 इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करना है, ये लो साहब 6 इलेक्ट्रॉन। अब सर हमें ये भी पता होना चाहिए ना, ये कौन सा, ये तो पाई है, पाई बॉन्डिंग है, ये सिग्मा बॉन्डिंग है, ये पाई स्टार है और ये सिग्मा स्टार है। इसी टाइप से 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के तो नीचे भरे जा चुके होंगे, ये हमारे पास क्या होगा, सिग्मा होगा, ये पाई होगा, ये पाई स्टार होगा और ये सिग्मा स्टार होगा। और आपको क्या दिया गया है, O2 पॉजिटिव दिया गया है, मतलब ऑक्सीजन के पास 16 इलेक्ट्रॉन और 16 में से दो निकाल दोगे प्लस का है तो आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन ये भी बन जाएंगे, और 14 इलेक्ट्रॉन बन गए तो अब इलेक्ट्रॉन का फिलिंग आपको करना है, और आप इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करोगे तो 2 यहाँ, 3, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन, 6 भर चुके हैं, और अभी अपने को कितना और भरना है, 2 इलेक्ट्रॉन और भरना है, ये अपने पास बनेगा O2 पॉजिटिव के लिए, क्या बनेगा, O2 पॉजिटिव के लिए। आई थिंक मैंने सही भरा होगा, 14 इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करना है तो 6 इलेक्ट्रॉन, 8 नीचे कर चुके हैं और 6 ये वाले, ये हम कर चुके हैं। अब आपसे क्या पूछा गया है, लूमो पूछा गया है।
अब लूमो N2 के लिए कौन सा है और O2 पॉजिटिव के लिए कौन सा है? N2 के लिए जो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसके अंदर है इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप क्या बोलोगे जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कौन सा है मुन्ना? ये वाला क्या अपने पास, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। इधर भी क्या है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है वो क्या है? सिग्मा स्टार। ये भी क्या है? लूमो है। ये किसका लूमो है? O2 पॉजिटिव का। और ये भी लूमो किसका है? ये है N2 का। मतलब दोनों का लूमो क्या है? पाई स्टार है। और पाई स्टार क्या होता है मुन्ना? पाई स्टार अब क्या होगा तुम्हें पता है, पाई तो अनजीरेड होता है, अभी हम देख के आए लास्ट वाले में, पाई तो क्या होता है? अनजीरेड होता है। और पाई स्टार क्या होता है? जीरेड होता है। तो ये दोनों का आंसर क्या होगा? पाई जीरेड एंड पाई जीरेड, ये क्या रहेंगे दोनों के? लूमो रहेंगे। क्या ये क्वेश्चन में दिया गया है ऑप्शन के अंदर, एक बार मैच कर लीजिएगा दिया गया है या नहीं दिया गया। तो आप बोलोगे सर लूमो पाई जी और पाई जी किसी ऑप्शन के अंदर है नहीं दिया गया, तो ये अपना क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बोलिएगा यहां तक क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है सी एस आई आर नेट में गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बोला गया है कि बी एच थ्री जो है बी एच थ्री सी ओ इज मोर स्टेबल बी एच थ्री इज मोर स्टेबल देन बी एफ थ्री सी ओ। भाई दोनों में से आपको बोला गया है बी एच थ्री सी ओ ज्यादा स्टेबल है बी एफ थ्री सी ओ की बजाय, बिकॉज रीजन आपको बताना है कि क्यों ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज क्यों ज्यादा स्टेबल है आपको रीजन बताना है। एक ऑप्शन आपको कहता है सीओ इज ए सॉफ्ट बेस, सीओ इज ए सॉफ्ट बेस, सीओ एक सॉफ्ट बेस है एंड बी एच थ्री एंड बी एफ थ्री आर सॉफ्ट एसिड एंड हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड एंड हार्ड एसिड रिस्पेक्टिवली। पहला ऑप्शन तो ये बोला गया है। ऑप्शन बी आपको कहता है कि जो CO है ना, CO इज ए हार्ड बेस, CO हार्ड बेस है एंड बी एच थ्री एंड बी एफ थ्री आर दोनों क्या है? हार्ड एंड सॉफ्ट। अच्छा दो बार लिख दिया, हार्ड बेस लिखो, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड रिस्पेक्टिवली। ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है मुन्ना, गेट में सॉल्वेंट से HSAB से। तीसरा आपसे बोला गया है CO जो है इज सॉफ्ट बेस, CO जो है वो तो सॉफ्ट बेस है एंड बी एच थ्री एंड बी एफ थ्री ये जो है आर हार्ड, आपको बोला गया हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड, पहला हार्ड है दूसरा सॉफ्ट एसिड्स रिस्पेक्टिवली। डी ऑप्शन आपको बोला गया है कि जो CO है CO इज सॉफ्ट एसिड, CO जो है वो तो सॉफ्ट एसिड है एंड बी एच थ्री एंड बी एच थ्री आर सॉफ्ट, बी एच थ्री इज सॉफ्ट सॉफ्ट बेस एंड बी एफ थ्री इज हार्ड बेस हार्ड बेस। देखिए ये हार्ड और सॉफ्ट बेस पे क्या है टॉपिक पे पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन हार्ड होगा कौन सॉफ्ट होगा, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस पे ये पूछा गया क्वेश्चन है। आपसे बोला गया है कि हार्ड कौन है सॉफ्ट कौन है, भाई ये ज्यादा स्टेबल है ये कम स्टेबल है, क्यों है? तो आपको HSAB प्रिंसिपल क्या कहता है कि हार्ड हार्ड का इंटरेक्शन क्या होता है? बढ़िया होता है। किसका? हार्ड हार्ड का इंटरेक्शन, हार्ड हार्ड का इंटरेक्शन क्या होता है? बढ़िया होता है। और सॉफ्ट सॉफ्ट का इंटरेक्शन क्या होता है? बढ़िया होता है। सॉफ्ट सॉफ्ट का इंटरेक्शन क्या होता है? बढ़िया होता है। मतलब अगर कोई हार्ड और हार्ड मिलेगा तो वो ज्यादा स्टेबल होंगे और सॉफ्ट मिलेंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होंगे। तो अभी हमें यही पता करना होगा कि इनका नेचर किसका हार्ड और हार्ड है, किसका सॉफ्ट और सॉफ्ट है। मतलब ये वाला अगर मैं अब इनको तुमको पता होना चाहिए, अगर मैं बी एफ थ्री की बात करूं तो ये क्या है? हार्ड है, हार्ड एसिड है। क्या है? हार्ड एसिड है। बी एफ थ्री हार्ड एसिड है।
BCL3 की बात करूं तो वो भी क्या है, हार्ड एसिड है। BCL3 भी क्या है, हार्ड एसिड है। ठीक है, अगर मैं बात करूं BH3 की तो ये भी क्या है, ये सॉफ्ट बेस है। सॉफ्ट क्या है, सॉफ्ट एसिड है। देखो आपको एक ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट होता था, BH3 और BF3 बेस नहीं है जबकि ये एसिड होते हैं। आगे हार्ड और सॉफ्ट लगने से ये बेस नहीं बन जाएंगे, ये एसिड ही रहेंगे। CO जो है वो क्या होता है, सॉफ्ट बेस होता है। आपको याद रखना पड़ेगा CO क्या है, सॉफ्ट बेस है। अगर CO सॉफ्ट बेस है तो ये किसके साथ जाना चाहेगा, सॉफ्ट एसिड के साथ जाना चाहेगा। सॉफ्ट बेस है तो सॉफ्ट एसिड के साथ जाना चाहेगा। आपको पता चल चुका है यहां से कि BF3 जो है वो तो हार्ड एसिड है, BCL3 होता तो भी क्या होता, हार्ड होता। BH3 क्या है, सॉफ्ट है। और आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर BCH3 और थ्राइस लिखा हुआ हो तो ये क्या होगा, सॉफ्ट होगा या हार्ड होगा, सॉफ्ट एसिड होगा या हार्ड एसिड होगा, आपको बताना है सॉफ्ट एसिड होगा या हार्ड एसिड होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। जबकि मैंने ये बताया आपको ये क्या है, सॉफ्ट एसिड, ये क्या है, हार्ड एसिड, ये क्या है, हार्ड एसिड। ठीक है, और BOR3 हो जाता तो भी हार्ड हो जाता ऑक्सीजन आने की वजह से। पहला ऑप्शन कहता है कि पहला CO जो है वो सॉफ्ट बेस है, बिल्कुल सही बात है सर, सॉफ्ट बेस है। BH3 जो है वो क्या है, सॉफ्ट बेस है, सॉफ्ट एसिड है, सॉफ्ट एसिड है। मतलब BH3 ये वाला सॉफ्ट है, ये वाला भी सॉफ्ट है, ये वाला भी सॉफ्ट है, ये वाला भी सॉफ्ट है, सॉरी ये वाला भी हार्ड है, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है। तो एक में हार्ड सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है, एक में सॉफ्ट सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है। तो आपको पता है कि सॉफ्ट सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, प्रेफर करेगा किसके कंपैरिजन में, हार्ड सॉफ्ट के कंपैरिजन में। तो ऑप्शन ए ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड, पीपी एंड पीओएच बॉन्ड, पीएच बॉन्ड इन H6, P6, O12 respectively आपको बताना है कि PP और POH बॉन्ड कितना कितना होगा, कितना कितना होगा। ऑप्शन ए आपके लिए कहता है कि 4 and 4, ऑप्शन बी आपके लिए कहता है कि 3 and 6, ऑप्शन सी आपके लिए कहता है कि 0 and 7, और डी आपके लिए कहता है कि आप ये कीजिएगा 6 and 6। अब आंसर आपको देना है कि क्या देंगे आंसर, जल्दी से आंसर करेंगे एक बार और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके कितने ठीक हुए। इसके साथ ही आप ये भी बताएंगे कि यहाँ हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं इनको वीडियो का सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार खुद से ट्राई जरूर करें दोस्तों, खुद से एक बार जरूर ट्राई करके देखें कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। जल्दी से आंसर करेंगे, एक बार करिएगा भाई, जल्दी से आंसर करो। देखो इसका अगर स्ट्रक्चर तुमको नहीं पता होगा तो तुम नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को, अगर तुम्हें इसका स्ट्रक्चर नहीं पता है तो तुम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। स्ट्रक्चर क्या कहता है, अपने पास पीपी बॉन्ड और पीओएच बॉन्ड, तो इसको मुन्ना ऐसे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर है पी 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 और ये भी फॉस्फोरस, ये भी फॉस्फोरस, ये भी फॉस्फोरस। ठीक है, जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर है वैसा इसका स्ट्रक्चर है। इसके बाद आप देखोगे कि इसके ऊपर भी क्या है, पी डबल बॉन्ड ओ, पी डबल बॉन्ड ओ, पी डबल बॉन्ड ओ, पी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, अब कितना, 6 फॉस्फोरस हम लगा चुके हैं, 6 ऑक्सीजन लगा चुके हैं, 6 हाइड्रोजन बचा है और 6 हाइड्रोजन के साथ 6 ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो हम क्या बनाएंगे, OH, 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 OH एंड OH। आपके पास क्या आ चुका होगा आंसर, यहाँ आप देखोगे कि अपने पास क्या क्या पूछा गया था, PP बॉन्ड 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पहला आंसर आपका रहेगा पीपी बॉन्ड रहेगा 6। पीओएच बॉन्ड भी काउंट कर लो, पीओएच बॉन्ड भी काउंट कर लो मुन्ना, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 6 and 6 क्या होगा, राइट आंसर होगा। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि द जो कंपाउंड है ना, द कंपाउंड, कंपाउंड NF3 एंड BF3, दो कंपाउंड आपको दिए गए हैं, कैन बी इजली सेपरेटेड, इनको इजली सेपरेट किया जा सकता है,
इनटू इट्स कंपाउंड बिकॉज, क्यों सेपरेट किया जाता है बिकॉज, ये क्यों क्यों कर सकते हैं, रीजन क्या है, BF3 इज हाईली रिएक्टिव, BF3 इज हाईली रिएक्टिव, BF3 जो है वो हाईली रिएक्टिव है। बी बोल रहा है कि NF3 जो है NH3 इज हाईली रिएक्टिव। सी ओ बोल रहा है कि BF3 जो है NH3 आर अनस्टेबल, दोनों क्या है अनस्टेबल है। डी ऑप्शन आपको बोल रहा है कि BF3 एंड NH3 हैव देयर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, कि इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। तो क्या रहेगा आंसर बताइएगा, जल्दी से ट्राई कीजिएगा, क्या लगता है तुमको, क्या लगता है मुन्ना, जल्दी से आंसर करेंगे फटाफट से सभी, क्या लगता है क्या रहेगा आंसर। देखिए अगर आपसे BF3 और NF3 की बात करें तो हमें पता है कि सर BF3 क्या है, लेविस एसिड होता है, और जैसे ही इसके पास NF3 आया इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको देके अडक्ट बना लिया होगा, अडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया होगा। बट हमें ये तो पता है कि सर BF3 रिएक्टिव NF3 कहता है कि इसको अलग अलग क्यों किया जा सकता है। भाई देखो पहले ये जो पास आए तो दोनों का अडक्ट फॉर्मेशन हो गया, जब ये अलग अलग थे तभी तो ये एग्जिस्ट कर रहे थे ना, ऐसा तो नहीं है कि ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इसके अलावा कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। आपने देखा होगा कि BF3 भी सेपरेट एग्जिस्ट कर जाता है, NF3 भी सेपरेट एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ये अगर जब पास आएंगे तो ये अडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि इसको जरूरत है ये अपना लोन पेयर दे देगा। ठीक है, जब ये दूर दूर है आपस में पास पास नहीं है तभी तो ये एग्जिस्ट कर रहे होंगे, इसीलिए अगर ऐसा होता, देखो एक ही साथ रहते तो हम इनको सेपरेट ही नहीं कर पाते, एक साथ अगर रहना चाहते हैं भाई ऑलवेज ही हमेशा एक साथ रहते हैं तो इनको हम आगे अलग ही नहीं कर पाते। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि इन दोनों का क्या होता है सेपरेट, क्या होता है देर है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, दोनों का क्या होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, इसी वजह से ये क्या करते हैं अपना एग्जिस्टेंस होने की वजह से इनको सेपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द करेक्ट, आपको बताना है द करेक्ट करेक्ट सेट ऑफ शुडोहेलाइड्स एनायंस, शुडोहेलाइड एनायन का आपको करेक्ट सेट आपको बताना है। ए CN नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव, BF4 नेगेटिव, PF6 नेगेटिव, कौन सा सेट सही है जिसके अंदर सारे के सारे शूडो हैलाइड्स है, N3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव एंड ASF6 नेगेटिव। सी ऑप्शन आपके लिए गया है SN नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, H2PO4 नेगेटिव, N3 नेगेटिव। डी ऑप्शन आपके लिए बोला गया है CN नेगेटिव, N3 नेगेटिव, SCN नेगेटिव, NCN2 नेगेटिव। अब इनका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कीजिएगा और बताइएगा कि क्या रहेगा आंसर, जल्दी से बोलिएगा भाई फटाफट से क्या होगा आंसर इसका। द करेक्ट सेट ऑफ शुडोहेलाइड्स का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, जल्दी से आंसर कर दो जी, बोलिएगा जल्दी से फटाफट से, एक बार आंसर कर देंगे सभी कि क्या आंसर रहेगा, क्या लगता है तुमको क्या होना चाहिए आंसर। देखो भाई आपको पता है शुडोहेलाइड्स में आपको सिर्फ एक ही चीज देखनी है, जिस भी कंपाउंड के अंदर वे सिंगल बॉन्ड बनाने वाला कंपाउंड हो, मोनोवेलेंट कंपाउंड, और उसके साथ क्या हो नाइट्रोजन, क्या हो नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, नाइट्रोजन आपको मिलेगा ही मिलेगा शुडोहेलाइड्स के अंदर। देखो यहाँ नाइट्रोजन नहीं है,
यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी है, यहाँ भी नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जहाँ भी आपको मिल गया नेगेटिव में, और मोनोवेलेंट स्यूडो हैलाइड्स क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तो इनमें सब में जहाँ जहाँ आपको दिखेगा वो सब क्या होंगे मुन्ना, मोनो स्यूडो हैलाइड्स एनायन। जहाँ भी नाइट्रोजन आपको दिखाई दे जाए उसी का आंसर है आप कर दोगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, है दी इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच। स्पेशल क्लासेस को आप देख सकते हो बिल्कुल फ्री में, स्पेशल क्लासेस आपके लिए डेली हो रही है, उन क्लासेस का आप आनंद ले सकते हो बिल्कुल है फ्री के अंदर। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल फ्री क्लासेज है वो, और फ्री क्लासेज में आप क्या कर सकते हो, बी कैम 10 कोड यूज करके इन क्लासेज को बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। सब्सक्रिप्शन के लिए आप अपना कोड जो है बी कैम 10 कोड यूज करते हो तो आपको 10% क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है,